आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का प्रथम अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को पाता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से माघ महास्नान प्रारंभ हो चुका है और माघ महा भगवान श्री हरि का प्रिय माह है। इस माह में किया गया स्नान, दान, जप, तप व व्रत मनुष्य को विशेष फलों को देने वाला होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस माह में स्नान, दान व श्री हरि की कथाओं के साथ साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण का पठन व श्रवण या फिर माघ महत्तम का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य माघ माह में माघ महत्तम को पढ़ता अथवा सुनता वे दूसरों को सुनाता है, इससे उसके कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संतति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बंधुओं, हम सब आज पूरा महा नियम पूर्वक श्रद्धा व भक्ति के साथ भगवान श्री हरि को याद करते हुए माघ महत्तम को सुनेंगे, पढ़ेंगे अथवा दूसरों को सुनाएंगे और हरि कृपा पाएंगे। तो आइए सुनते हैं माघ महत्तम का प्रथम अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ माह का महत्तम कहिए। व्यास जी बोले, एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात रघुवंश के राजा दलीप शिकार की सामग्री से युक्त होकर अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सैनिक जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन की शोभा देखते ही बनती थी। वन में वृक्षों पर कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से धरती लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर गायें फिर रही थी, कहीं हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सैनिकों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौंकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा और कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया। राजा दलीप ने उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु मृग दूर जाकर राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो रहा था। दोपहर का समय होने के कारण, अधिक चलने के कारण राजा के सैनिक थक गए
और घोड़े रुक गए। तभी कुछ ही दूरी पर राजा ने एक सुंदर सरोवर को देखा। सरोवर का जल सज्जन व्यक्ति के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। लहरों से सरोवर का जल बड़ा सुंदर दिखाई देता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर घूम रही थी। उस जल में दुष्टों के समान निर्दयी चित वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिवाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को कोई दानी पुरुष दूर करता है, वैसे ही वह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, वैसे ही सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं सरोवर के किनारे विश्राम किया। सैनिक पहरा देते हुए चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने सरोवर पर आकर जल पिया। तब राजा के सैनिकों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया और शिकार कर सभी सैनिक प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए। पर भात हो जाने के कारण राजा उनके साथ अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख चुका था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुआ था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा दलीप से कहा, हे राजन, इस पुण्य में शुभ माघ माह में इस सरोवर के शीतल जल को छोड़कर आप यहाँ से क्यों जा रहे हो? तब राजा बोला, हे महात्मन, मैं तो माघ माह और माघ माह में किए जाने वाले स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे इसके बारे में बतलाइए। ऐसा कहकर राजा मौन हो गए और तपस्वी की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगे। इति माघ महत्तम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।